के सभी बच्चे कैसे कैसे हैं एंड uh, कितनी कितनी पढ़ाई हो चुकी है तुम्हारी पढ़ाई या मतलब तो होने वाला है, अब है ना तो कैसा लग रहा है so एंड uh, मैंने एक आपका रिविजन के लिए प्लान किया है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी एक बार पहले लिंक शेयर कर देती हूँ आपकी क्लास का एंड देन वी कैन स्टार्ट ओके okay, तो सभी को गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू चलिए बताइए चल रही है आपकी पढ़ाई यस बताएंगे फटाफट फड़ से uh, जल्दी से मैं शेयर कर रही हूँ सो दैट बच्चे जो हैं जो वेट करते रहते हैं कि मैम हम तो जब टेलीग्राम पे आता है तभी आते हैं क्लास में उससे पहले नहीं आते है ना तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए जल्दी से मैं शेयर कर लूं ऑलराइट right? चलो बाकी सब कैसा है लाइफ में छह ही बच्चे आए हैं क्लास में अभी तक और बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पढ़ना है इवोल्यूशन इवोल्यूशन से थक चुके हैं सब लोग यस गुड आफ्टरनून राहुल रवि मान्या तेजस्विनी दो सेकंड दो यार एक बार शेयर कर देती हूं है ना दो सेकंड दो बस हम्म 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 तो इतने कम बच्चे क्यों आते हैं बायो में क्या लगता है कल मैं आप लोगों की इंग्लिश इंग्लिश की क्लास में आई थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी कल मेरी की क्लास नहीं थी तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो देखती हूँ तो सर तो बड़ा मस्त पढ़ाते हैं यार एकदम घुस जाते हैं स्टोरी में खुद ही कैरेक्टर बन जाते हैं ना तो बायो भी ऐसे पढ़ सकते हैं क्या हम क्या लगता है तुम लोगों को क्या हम बायोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं कैरेक्टर्स के थ्रू तब आएगा मजा आएंगे बच्चे हाँ बताओ तो मजा आ रहा था मतलब सर की क्लास में ना मैंने ट्वेल्थ में ही लास्ट टाइम वो सारी चैप्टर्स वगैरह सब पढ़े थे लास्ट टाइम में ही एंड सब याद आ रहा था मतलब वो जो तो चैप्टर करवा रहे थे सर उस टाइम तो काफी सही चैप्टर है है ना यस yes. क्यों नहीं आते हैं ट्वेल्थ मतलब इंग्लिश से भी ज्यादा आसान है क्या बायोलॉजी क्या बायो में मैम हमें डर नहीं लगता कि मैम बायो में तो हो ही जाएंगे पास ऐसा है Yes everyone very good afternoon Anu, uh, hari, kesh, ravi, anu. very good afternoon चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है एकदम स्पीड में चलेंगे एकदम बहुत स्पीड में चलने वाले हैं आप एंड फटाफट से खत्म करेंगे चैप्टर को अरे बहुत इजी है बायो में तो बहुत इजीली मार्क्स आ जाते हैं चलिए थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ जितने भी नए लर्नर्स हैं वैसे तो <laughs> स्ट्रेंथ बहुत कम है बायोलॉजी की क्लास में बट स्टिल मेरा नाम शिवानी वज्जा और मैंने बैचलर ऑफ साइंस मास्टर्स इन बॉटनी एंड बहुत सारा बैचलर ऑफ एजुकेशन और बहुत सारी अदर डिग्रीज भी करी हैं एंड काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया भी है एंड अनदर बिग अपडेट इज CBSE के सभी सब्सक्रिप्शन पर 48% ऑफ चल रहा है अब आप में से बहुत बच्चे कह रूंगी मैम हम क्या करें फिर हम तो पास होने वाले ना हमें क्यों बता रहे हो ये तो ना कि सिर्फ CBSE बल्कि बहुत सारे अदर कोर्सेज में भी ऑफर चल रहे हैं तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना जिसको फैशन डिजाइनिंग करनी है मेडिकल लाइन में जाना है आई करना है जितने भी ऐसे बच्चे हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा कोड यूज करके वी ए टी एस हंड्रेड तो वी ए टी एस हंड्रेड आपको याद रखना है जिन जिन बच्चों की भी मैं

Uh, बहुत सारे बच्चों मुझे करते हैं टेलीग्राम क्या फर्क पड़ता है सैम्पल पेपर सॉल्व करने से तो जी हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जितना आप रिविजन में टाइम वेस्ट कर सकते हो अपना दोबारा वही चैप्टर दोबारा वही चैप्टर पढ़ पढ़ के उससे अच्छा आप ये काम कर सकते हो कि आप दस सैम्पल पेपर्स की सीरीज ले लो सिर्फ आपको मिल जाएगी थ्री हंड्रेड फोर्टी वन रुपीज में अगर आप मेरा कोड यूज करोगे वीएटीएस हंड्रेड तो वीएटीएस हंड्रेड यूज करो एन थ्री हंड्रेड फोर्टी वन में आपको ये सीरीज मिल जाएगी जो कि बहुत ही कम अमाउंट है एंड दस सैम्पल पेपर्स हैं विद डिस्कशन discussion. तो डिस्कशन जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि बच्चों को ना आधी कॉन्सेप्ट डिस्कशन में ही समझ आ जाएंगे कि ओके ऐसा हो रहा था ऐसा चल रहा था लाइफ में ऑल राइट एवरी वन दिख रही है क्लास रुका तो नहीं है मेरा इंटरनेट एक सेकेंड रुको एक तो इंटरनेट ने इतना परेशान करा हुआ है ना आजकल कि मैं इंटरनेट वाले को कह रही हूँ इंटरनेट के चक्कर में ना मेरी नौकरी चले जाएगी किसी दिन है ना तो इंटरनेट ही नहीं चल के दे रहा है आजकल एवरी वन कन्फर्म कर सकते हो क्या आ रही आवाज ठीक है अभी दिख रहा है मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा सिर्फ पांच चैप्टर रहते हैं आपके पांच दिन के बाद हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और आपके जो ऐसे टॉपिक्स टौप हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं जैसे कि हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल की छोटी सी वीडियो आ गई और ट्रांसलेशन की छोटी सी वीडियो आ गई जेनेटिक कोड की छोटी सी वीडियो आ गई ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किस में प्रॉब्लम है ओके ख्याति मेरी क्लास में भी एक लड़की थी ख्याति चलिए वेरी गुड इवनिंग ख्याति चलिए इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो पहले तो अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ जो अर्थ ऐसी थी कि जिसपे रहा नहीं जा सकता वैसी अर्थ कैसे इस प्रकार की हो गई कि उसपे लाइफ आने लग गई है ना उसके बाद मैम सिंगल सेल आया होगा फिर सिंगल सेल से हम कैसे बन गए इसके बारे में पढ़ेंगे क्या अ uh, फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्पीशी को इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन कि कैसे पहले हम ऐसे ही प्राइमेट की जैसे दिखते थे बंदर जैसे दिखते थे और मैम आज आप इतने सुंदर लग रहे हो ये चेंज कैसे आया आप बंदर से आज ऐसे कैसे बन गए जैसे आप दिख रहे हो ऑलराइट ट्रांसलेशन right, में प्रॉब्लम है हां हां हा. मुझे पता है भाई मैं भी जब ट्वेल्थ में थी तो मुझे भी ऐसे ही प्रॉब्लम आती थी तो मुझे लगता था कि यार मतलब पूरा ही पढ़ूंगी दोबारा से इससे अच्छा मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आऊंगी सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने पूरा प्लान करा है अच्छे से पांच दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होते ही हम आ, सबसे पहले तो सैम्पल पेपर कर लेंगे उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Uh, मुश्किल से देखो टाइम उतना नहीं लगाएंगे छोटी छोटी देर में कर लेंगे ये सारी चीजें कराऊंगी एक बार ए वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चल रही हूँ ओके okay? क्योंकि आपने देखा होगा फिजिक्स के दो टीचर आपके पास है ना केमिस्ट्री के दो टीचर हैं मैथ्स के एक सर हैं मैं इकलौती हूँ यहाँ पर तो <laughs> मुझे इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी ना तो उसके लिए मुझे खुद भी टाइम लगेगा ही मतलब आपकी पूरी क्लास बनाती हूँ मैं बैठ के उसके बाद मुझे उतना टाइम नहीं बचता है कि मैं बहुत अच्छे 200 क्वेश्चन ला के आपको दूँ ऑल right, तो थोड़ा सा टाइम अब आ जाते हैं ये क्लास टेन का डायग्राम है यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएंगे पर क्योंकि आप टेंथ में तो कोविड वाले बैच में थे तो इसलिए आपको शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कुछ ने नहीं पढ़ा होगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा इवोल्यूशन चैप्टर समझने के लिए एंड क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी तरीके से आपको टेंथ में समझाया था ये ऑल राइट यहाँ देखेंगे ये है केस वन वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है ये केस वन है ये केस टू है ओके okay, एंड ये केस थ्री है ऑल राइट right, सब थम्स अप कर दो फटाफट से सो so दैट वी कैन स्टार्ट जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो थम्स अप कर दो मैं पानी पी लेती हूँ एंड ये ये समझेंगे पहले ये समझते ही आपका आधा इवोल्यूशन क्लियर हो जाएगा ओके okay, चलिए वेरी गुड चलो स्टार्ट करते हैं फिर हाँ जी <coughs> तेजस्विनी कोमल स्टडी विद फन अनु सोनू शिवम यश नहीं दिखनी चाहिए आपको ठीक है? बोल रही हूं, तो बाकी दोनों मत देखना one, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आती है है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आती है तो क्या हुआ यहाँ पे लाल लाल वाले रिप्रोड्यूस कर रहे थे आपस में लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक बार एक हरे रंग का बच्चा पैदा हो गया इनका जब इनका हरे रंग का बच्चा पैदा हो गया ठीक है हरे रंग का बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि वो अपनी अगली जनरेशन को भी खराब करने वाला था यानी कि उसका जो चेंज आया है वो उसके डीएनए में चेंज आया है वो उसको सोमैटिक सेल में नहीं वो उसके रिप्रोडक्टिव सेल में चेंज आया है यानी जो कलर है वो अपने साथ अगली जनरेशन में लेके जाएगा तो यहाँ फर्स्ट केस में सिर्फ एक हरे रंग का कीड़ा था फिर जब सेकेंड जनरेशन आई सेकेंड जनरेशन आई तो उसमें बहुत सारे हरे कीड़े हो गए क्योंकि हरे कीड़े के चार बच्चे और ऐसे ऐसे करके होते रहे लेकिन यहां पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखेंगे कि मैम लाल वाले भी तो कम हो रहे हैं सिर्फ एक ये है लाल वन रेड वन रेड टू रेड थ्री रेड फोर रेड फाइव सिर्फ फाइव रेड बच्चे ऐसा क्यों क्योंकि जो क्रोस थे ना यहाँ पर ये घास में से कीड़े उठा उठा के खाते थे क्या करते थे ये घास में से कीड़े उठा उठा के खाते थे अब जो ग्रीन बीटल है वो तो कैमोफ्लाज हो गए ना वो तो मिल गए घास में ग्रीन ग्रीन नहीं दिखते थे कौवे को तो वो रेड रेड सारे खाता गया धीरे धीरे क्या हुआ अब यहाँ पांच थे अब यहाँ चार ही बचे लाल वाले बेचारे है ना कितना नुकसान हो गया इन्हें लगा कि एक ये जो नालायक हमारा ग्रीन कलर का बच्चा पैदा हुआ था इसकी वजह से हम सब आज खत्म होते जा रहे हैं पी uh, क्यू करवा दूंगी मैं मजन हाँ आगे आ जाते हैं आई एम फाइन थैंक यू सो मच अः चलिए आगे चलते हैं अब ये थी थर्ड जनरेशन ये थी फोर्थ जनरेशन यानी फोर्थ जनरेशन से आते आते रेड कलर के जो कीड़े थे वो सारे के सारे खत्म हो गए यहाँ पे हम क्या देखते हैं इवोल्यूशन हुआ है कैसे हुआ है नेचुरल सिलेक्शन से समझ आया नेचुरल सिलेक्शन आया समझ फर्स्ट केस आ गया है यश को ऑलराइट अब आ जाते हैं हम सेकंड केस पे अब आपको फर्स्ट केस देखना ही नहीं है ऑलराइट right. अब आप लोगों को फर्स्ट केस देखना ही नहीं है इसको हटा दो अब हम देखेंगे सेकंड केस सेकंड केस में क्या हो रहा है मैम हो गया, ने एक एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में, में भी आएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैं ट्वेल्थ में थी तो आया था वो क्वेश्चन और राइट चलिए केस नंबर टू देखते हैं केस नंबर टू में भी ऐसा ही हुआ इनका हरा नहीं इनका नीला बच्चा पैदा हो गया नीलू नीलू बेटा पैदा हो गए अब जब नीलू बेटा पैदा हो गए तो नीलू बेटे भी अगले जनरेशन में लेकर जा रहे थे अपने साथ नीला रंग तो नीला रंग लेके जा रहे थे लेकिन नीला भी दिख रहा था कौए को एंड उसको रेड भी दिख रहा था तो दोनों ही दिख रहे थे सर्वाइवल यहां पे कलर की वजह से नहीं मिली सर्वाइवल एडवांटेज कलर की वजह से नहीं मिली दैट इज वाय क्या हुआ नीले भी रहे लाल भी रहे लेकिन एक दिन वहां आ गया कौन हाथी हाथी राजा पधारे और हाथी राजा ऐसे आए कि उन्होंने ऐसे जब पैर रखा अपना उस घास के पैच पे तो सारे लाल वाले कीड़े खत्म हो गए सारे लाल वाले कीड़े खत्म हो गए इसको बोला गया जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया मैम मतलब चल तो रही थी जिंदगी आराम से लेकिन ड्रिफ्ट आ गया कुछ सडन चेंज ऐसा आया एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जेनेटिक फैक्टर्स नहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जैसे कि हमने फसल लगाई थी गेहूं की फसल लगाई थी लेकिन गेहूं की फसल में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हवा चल गई लू बहुत ज्यादा चल गई तो गेहूं के पौधे सारे मर गए तो सारे सड़ गए खराब हो गए सूख गए ओके वैसे लू से ही पकता है गेहूं लेकिन मान लो कि इतने सूख गए कि दाना ही खत्म हो गया ओके अब क्या हुआ मैम जो बच गए इसका मतलब वो क्या है सर्वाइवल उनकी एडवांटेज था उनके अंदर कुछ तो प्रेजेंट था जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट में क्या हुआ है, में हुआ है हो गया, पता नहीं, ऐसा, सोचा तो नहीं था कि अचानक से हाथी आएगा और सारे लाल वाले मर जाएंगे पर मर तो गए ना तो कुछ तो बोलेंगे इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया ओके नेक्स्ट वेरी गुड कोमल कोमल को सब समझ आ रहा है वेरी गुड अब आ जाते हैं आगे केस नंबर थ्री थ्री में क्या हुआ कि ये जो बीटल्स थे जो वो घास खाते थे वो घास के ऊपर ही फंगस लग गया और घास पे फंगस लगने की वजह से उनको खाना प्रॉपर मिला नहीं तो वो पतले पतले हो गए पतले पतले छोटे छोटे हो गए फिर अगली जनरेशन में भी पतले पतले छोटे छोटे ही रहे क्योंकि खाना उतना ही था लेकिन उससे अगली जनरेशन में जब वो इन्फेक्शन जिस पौधे को वो खाते थे उसका इन्फेक्शन खत्म हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा वो वैसे ही मोटे ताजे हो गए ओके okay. क्षत्रिय राव उत्कर्ष ठीक है समझ गए इतनी बात समझ आ गई ये क्लास टेन का रिकैप था इसको ऐसा मत समझ लो कि माम ये क्या होगा एकदम से आपने कौए के बाद स्टार कैसे लिया ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि जब भी हम स्टार्स को भी देख रहे होते हैं ना तो ट्रिलियंस साल पहले उन स्टार्स ने वो लाइट जो आज आपको दिख रही है उसको एमिट किया था लेकिन वो आज आपको देख है। मतलब जो आप लाइट देखते हो ना स्टार्स की आप पास्ट में देख रहे हो मतलब ऑफ़ साल पहले की लाइट जो वहां से आई है वो आज आपकी आंखों तक पहुंची है कितना डीप है ना ये है? है ना कितना डीप है ना ये जब हम स्टार्स को देखते हैं तो बहुत साल पहले के होते हैं वो ऑल right, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बोलते हैं गैलेक्सी होती है मैम कुछ तो गैलेक्सी भी होता है मैम इसमें एनसीईआरटी में आपको इयर्स दे रखे हैं कि कौन सी चीज कितने बिलियन ऑफ इयर्स पहले बनी वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रख लेना और उतनी ज्यादा लेनाटेंट नहीं है फिर हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि कुछ ना एकदम डेंस डेंस सा हमारे पास मैटर था तो हमें पता है कि आप भी मैटर से बने हो मैं भी मैटर से ही बनी हूँ और ये ब्रह्मांड भी मैटर से ही बना है ठीक है हम सब किससे बने हैं मैटर से बने हैं तो वैसे ही मैटर था अराउंड हमारे एंड वो जो वेरी डेंस मैटर था पॉइंट ऑफ मतलब ऐसे मैटर था बस फिर अचानक से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और टेम्परेचर गिरा ड्रास्टिकली गिर, गिर गया टेम्परेचर कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन बन गया और हीलियम बन गया क्या बना सबसे पहले हाइड्रोजन बन गया मैम और हीलियम बन गया फिर गैसेस जो थी ना ग्रेविटी की वजह से ऐसे कंडेंस होती रही होती रही होती रही तो उन्होंने ऐसे क्लाउड टाइप का बना दिया क्लाउड बना दिया तो क्या बन गई ऐसे मतलब ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे ऐसे पास 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 आते गए कंडेंस होते गए तो उन्होंने बना दी गैलेक्सी जैसे ये आप देखेंगे ये गैलेक्सी है ये जो गोल-गोल आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ये पूरी है एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है जल्दी से बताओ कौन बताएगा आ, इस हिसाब से तो अगर स्टार से खुद को देखे तो अपना पास्ट देखेगा स्टार्स तक जाओगे कैसे आप है ना चलिए बिल्कुल सही बात है लेकिन आ, अभी फोकस कर लेते हैं ओके चलिए वेरी गुड किसने बताया अनु विशाल यश कोमल तेजस्विनी आरुषि वेरी गुड रवि समझ गए इतने बच्चे क्या है अपनी गैलेक्सी ग्या, का नाम क्या है मिल्की वे है मैम तो गैसेस हुई और फिर बनी यूनिवर्स और कुछ टाइम बाद कॉपी लेके बैठेंगे सब बच्चे ओके फोर पॉइंट 4.5 बिलियन ईयर गो लिख लो अपनी कॉपी में ओके तो बिग बैंग थ्योरी से ही क्या हुआ जो यूनिवर्स है अपना वो बना और अपनी गैलेक्सीज़ बन गई <laughs> चलिए तो बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं आप लोग डे का हाँ हा, तो आज तुम लोग गए नहीं अच्छा आधे बच्चे ना क्लास से वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गायब हैं कि मम्मी को बोलेंगे मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लास है एंड गायब पड़े हुए ओके चलिए समीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब आ जाते हैं आगे अब आ जाते हैं आगे तो जब हमारी अर्थ बन गई कैसे बनी मैम अर्थ एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ उससे गैलेक्सीज बन गई गैलेक्सीज बनी तो धीरे धीरे कंडेंसेशन की वजह से ये जो ये जो क्लाउड था ना ये गैसेस का जो क्लाउड था ये जो गैसेस का क्लाउड था ये थोड़ा दूर हो गया सन से दूर होने की वजह से यहाँ इकट्ठा हो गया ऐसे और ये बन गई अर्थ ऐसे घूम घूम के फिर ये गोल हो गई गोल हो गई पहले ऐसी थी पास्ट में टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टाइप्स है ना टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टाइप की थी अर्थ धीरे धीरे उसको आराम से उसने सोचा उसने अपने अंदर झांका कि मैं क्या कर रही हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और आज वो ऐसी बन गई है लेकिन दोबारा धीरे धीरे हम हम उसको टॉक्सिक बना रहे हैं, है ना ओके समझ गए अच्छा तो पढ़ाओ यार मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही हूं क्या मैं

एक ऐसा टाइम चल रहा है एकदम क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके भविष्य के लिए तो जिससे आपको समझ जाता है आप उससे पढ़िए है ना थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए अब आगे चलते हैं तो अर्थ बन गई लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं बना मैम अर्थ तो बन गई लेकिन जिस एटमोसफेयर की वजह से हम आज सांस ले पा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर नहीं था तो ये टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो अर्थ थी इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है ये लाल लाल सी कुछ अलग ही क्रोधित जमीन बनी हमारे पास लेकिन इस जो ये पूरा टॉक्सिक अर्थ था इसके ऊपर थी वाटर वेपर पानी नहीं था पानी नहीं था वाटर वेपर थी मीथेन था CO2 था अमोनिया था कहां से आया मैम फ्रॉम द मोल्टेन मास से आया इसको कॉपी में लिखते जाना साथ में वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा ओके okay? तो क्या-क्या था हमारे पास जब अर्थ बनी थी जब अर्थ अर्थ जैसी हो गई थी तो एटमॉस्फेयर नहीं था लेकिन वाटर वेपर थे यानी H2O लिक्विड नहीं गैसीयस फॉर्म में मीथेन CH4 CO2 अमोनिया एंड मोल्टेन मार्सेसर निकला था अब धीरे-धीरे सन की यूवी रेडिएशन से क्या हुआ जो H2O था वाटर वेपर जो था वो टूटा तो H2O जब टूटा जब एच टू ओ का सन की वजह से ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ होगा एच टू अलग और ओ ओ ओ ओ अलग तो ओ प्लस ओ मिलके क्या बन गए O2 बन गए ऑक्सीजन बन गए एंड ये जो ओ o बाकी ओ सिंगल सिंगल थे वो ओजोन बन गए तो धीरे धीरे ऐसे ही बनी ओजोन लेयर भी गॉट इट हाँ क्या बन गया एच टू भी था एच टू ये ये रहा एच टू ये ऐसे आया एच टू और राइट बन गया समझ आ गया बच्चो वॉटर सीओटू एंड अदर केमिकल्स वर फाउंड वेन दी ऑक्सीजन रिमेन मिक्स विद अमोनिया एंड मीथेन तो जो ऑक्सीजन 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 ऐसे अकेले बेचारे ब्रेकअप के बाद घूम रहे थे ना वो आपस में मिल मिल के सीओ टू बन गए फिर अमोनिया और मीथेन में तो सीओ टू नहीं आता ऑक्सीजन नहीं आता पर अदर गैसेज बन गए जैसे ओजोन और धीरे धीरे ओजोन ले रैसे बन गई बात समझ आ गई अब ओजोन लेयर भी बन गई मैम ओजोन लेयर भी बन गई तो अब क्या अगला क्या बनेगा धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्थ की जो सब ओजोन लेयर बनने के बाद जो अर्थ था वो धीरे धीरे ठंडा होने लग गया कूल होने लग गया तो जो वाटर वेपर कुछ कुछ देखो ऐसा है ना सारा तो नहीं बन गया था एच टू थो, थोड़ा थोड़ा बचा भी था तो वो जो वाटर वेपर थी वो कूल हुई कंडेंसेशन की वजह से धीरे धीरे क्या हुई बारिश हुई अब जब बारिश हुई बहुत बारिश हुई और ज्यादा बारिश हुई तो वो जो बड़े बड़े गड्ढे थे ना अर्थ के ऊपर वो सारे भर गए पानी से तो ये जो इतना सारा पानी है ना हमारी अर्थ पे ये तब भर गया था पानी जब हमारी ओजोन लेयर बन गई उसके बाद कंडेंसेशन हुआ गैस का तो अपना क्या बन गया हमारा पानी बन गया इतना सारा समझ गए 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द वर्ल्ड वाज फॉर्म लाइफ अड तो लाइफ कितने टाइम बाद आई वर्ल्ड बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद ठीक है अब हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ओके हाँ अब हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो इन लोगों ने क्या बोला ग्रीक्स थे ये इन्होंने बोला पैंसपर्मिया होता है पैंसपर्मिया एंड uh, क्या होता है कि जो लाइफ है ना वो स्पोर्स से बनी है और स्पोर्स कहाँ से आए हमें नहीं पता कहाँ से आए लेकिन स्पोर्स से ही लाइफ बनी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने बोला था कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है और जितने भी लोग हैं वो आज जैसे हैं वैसे ही पैदा हुए थे यानी कि अगर कोई डॉग है तो वो डॉग ही पैदा हुआ था उसका कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ अगर आप ह्यूमन हो तो आप ह्यूमन ही थे आपका कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फिर आई थी ए बायोजेसिस थ्योरी इन्होंने अलग ही बोल दिया इन्होंने बोला स्वैम्प एंड मड एंड डस्ट एंड पार्टिकल्स तो इन सारी चीजों से क्या बन गई लाइफ बन गई यानी कि ये जो नाइल रिवर है नाइल रिवर नाइल रिवर में अचानक से एक दिन धूप से जो मिट्टी थी धूप मिट्टी के ऊपर पड़ी धूप कहाँ पड़ी मिट्टी के ऊपर पड़ी और धूप पड़ने से यहां पे क्रोकोडाइल बन गया ओके रॉटिंग मटेरियल बिल्कुल सही है यश ओके okay? क्या बोला ए बायोजेनिस ने बोला कि नॉन लिविंग थोरी नॉन लिविंग चीजों से जैसे कि मड मड से ही बन गई लाइफ अचानक से एक दिन क्रोकोडाइल बन गया मिट्टी से ओके? स्नेहा जैसे ही खत्म होते हैं सिलेबस खत्म होगा उसके बाद ही क्वेश्चंस होंगे ऑल राइट चलिए अब आ जाते हैं आगे लुइस पाश्चर इन्होंने कुछ दिमाग की बात करी इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो लिविंग चीजों से ही आई है यानी कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है ऐसा नहीं हुआ कि मिट्टी से बन गई उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया इसका उसका नाम होता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट स्वान मतलब वो जो बतख हम बनाते थे ना ट्रक्स के पीछे भी बने रहते हैं वो बतख जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गर्दन होती है कि वो ऐसे ऐसे पास पास बैठे रहते हैं दो बतख और उनकी गर्दन से ऐसे मिलके बना रहता है दिल वो स्वान होते हैं ना है ना तो वो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और आ, हाँ बगुला नहीं बगुला कुछ और होता स्वान बत्तख टाइप का कुछ होता है स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट वो देखेंगे आप अभी देखते हैं पहले इनका देख लेते हैं इन्होंने बोला क्या था इन्होंने क्या लिया ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ डिड नॉट डिड नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम किल्ड यीस्ट इन द फ्लास्क यानी कि इन्होंने क्या लिया यहाँ पे इन्होंने कुछ पानी लिया पानी लिया इन्होंने नॉर्मल नॉर्मल स्टरलाइज कंडीशन में पानी लिया पानी लेने के बाद इन्होंने इसको हीट कर दिया हीट करने की वजह से यहाँ पे ऐसे ऐसे उठेगा ऐसे ऐसे उठेगा ना पानी एक मिनट रुको देखो पेन ले लेती हूँ एंड ब्लू कलर ये पानी वैपोरेट होगा ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ यहाँ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ इकट्ठा हो होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी मतलब कोई भी चीज ऐसे इस पानी में आके इकट्ठी होगी ना कि अंदर वाले पानी में जाएगी है ना बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी चीजें पानी नंबर वन में जाएगी पानी नंबर टू में कुछ नहीं जाएगा ठीक है तो उन्होंने देखा कि यहाँ डस्ट और बैक्टीरिया आ गए लेकिन यहां पे कोई बैक्टीरिया नहीं आए नो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके ब्लैंक पेज में डायग्राम के साथ पढ़ाओ ऑल राइट right. चलिए ठीक है ऐसा करेंगे पर अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता ऐसा आ, किसने बोला है समीर ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता पर अगली क्लासेस में देखेंगे ऑलराइट अब right? इन्होंने लिया नॉर्मल नेकलेस फ्लास्क जिसकी गर्दन ही नहीं है इन्होंने अगेन ये स्टर्लाइज कंडीशन में ही लिया था स्टर्लाइज कंडीशन में लेने के बाद इसको हीट करा हीट करा तो इवापोरेशन हुई इवापोरेशन होके थोड़ा थोड़ा पानी बाहर चले गया थोड़ा थोड़ा अंदर रह गया इसका मतलब इस पानी में फिलहाल अभी कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा ऑफ़ ग्रोइंग, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया कीड़े वीड़े ये सब चीजें आ गई ओके समझ गए ओके तो स्वान नई एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला कि जहाँ पर हमने स्टरलाइज नहीं किया था यीस्ट इन द फ्लावर्स हैड नॉट बीन स्टरलाइज बिफोर द एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली कंपेरेबल फ्लास्क वाज के ये ये रहने दो इसको तो इन्होंने बेसिकली स्पोंटेनियस जेनेसिस वाली थ्योरी को कैंसिल कर दिया एक्सपेरिमेंट समझ आ गया ओके okay. चलिए अब आ जाते हैं आगे दो हमारे साइंटिस्ट हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी जिनका भी नाम आप ऐसा देखेंगे ना अजीब सा वी वी होगा जिनमें के बहुत सारा होगा वाई बहुत सारा होगा वो थे रशियन पीपल तो ये है ऑपरेन फ्रॉम रशिया एंड ये है हेल्डेन आई थिंक ही फ्रॉम इंग्लैंड इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने बोला आ, की आ, इन्होंने बोला कि इनिशियल फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमारी स्टार्टिंग वाली लाइफ है वो कहा से आई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना इतनी सारी की ये वाली गैस 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 मीथेन गैसेजारी एन एच है ना ये सारी जितनी भी हमने गैसेज पढ़ी थी बिल्कुल सही बोल रहे हो शिवम uh, अकी तो हाँ रशियन होते हैं वो जिनके भी नाम ऐसे टफ टफ से होते हैं वो रशियन होते हैं यश आरुषि बिल्कुल सही है रशिया इज योर फेवरेट प्लेस ओके हाँ चलिए अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला कि नॉन लिविंग चीजों से ही लिविंग चीजें बनी हैं जैसे कि आरएनए प्रोटीन इन चीजों से आरएनए से डीएनए बना डीएनए से और चीजें बनी ये सारी चीजें कैसे बनी हैं नॉन लिविंग चीजों से केमिकल एवोल्यूशन और सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसको प्रूव किसने किया एस एन मिलर ने एस एन मिलर मिलर जो है उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया इन्होंने बिल्कुल अर्थ जैसी कंडीशन ले ली इन्होंने एच टू ओ लिया यहाँ से इन्होंने क्या किया इसको हीट करना शुरू करा हीट करना शुरू करा जब इन्होंने तो ये ऐसे ऐसे गया 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 फिर इन्होंने बोला कि बारिश हुई थी ना अर्थ के ऊपर बारिश हुई थी तो मैम बादल बने होंगे बादल बने थे तो मैम लाइटनिंग हुई होगी लाइटनिंग हुई जब यहाँ पे इन चीजों की ये जो गैसेस थी यहाँ पे एच टू ओ सी एच फोर एन एच थ्री एच टू ये जो गैसेस में जब लाइटनिंग हुई तो क्या बन गई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए आरएनए बन गया प्रोटीन बन गए यहाँ पे शुगर बन गया और जो आपके नाइट्रोजन बेसिस है ना बेसिस नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए में यूज होते हैं डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें इस इस वाले पानी में जब इस, जब यहां से ये जो बची ना इसको कूल किया तो ये वाला जो पानी था इसमें ऑर्गेनिक चीजें आ गई ठीक है प्रोटीन आ गए प्यूरन्स आ गए आ वेरी गुड ये सारी चीजें आ गई पिरामिडीन हाँ नाइट्रोजन बेसिस प्यूरस पिरािडींस आ गए तो इन्होंने बोला जब भी नाइट्रोजन बेसिस आए शुगर आ गई प्रोटीन आ गया तो इसी से बन गया होगा आरएनए और आरएनए से फिर यूनिसेल्यूलर लाइफ आई होगी यूनिसेल्यूलर लाइफ आई होगी यूनिसेल्यूलर लाइफ से धीरे-धीरे फिर मल्टीसेल्यूलर लाइफ आई होगी और मल्टीसेल्यूलर लाइफ से इवोल्यूशन हो होकर हो होकर हो होकर हो हो आज हम लोग बन गए जो कि हम इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं समझ गए ओके okay? समझ गए हैं right. चलिए। क्या हुआ था एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी में उसके बाद दोबारा डायग्राम देख लेंगे ऑल राइट चलिए एक बार देखेंगे ध्यान से क्या हुआ था अर्थ की कंडीशन जो थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी बहुत ही ज्यादा हॉट वेदर था वोल्केनिक स्टॉम थे आ, ये सब चीजें था ऑल राइट right.

अभी क्या होता है कि H2O प्रेजेंट जो था उसको हमने हीट करा क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा था ना 800 डिग्री सेल्सियस तो हीट हुई वो हीट होने की वजह से जब हमने उसको स्पार्क चेम्बर में डाला क्योंकि तुम्हें पता होगा ना कि जब भी बारिश होती है तो स्पार्क होती है यानी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है फिर अर्थ के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जब ये ऐसे मिलते हैं तो वो लाइटनिंग बोल्ट हो जाती है तो जब अर्थ के ऊपर भी बारिश हुई होगी तो स्पार्क भी हुई होगी यानी लाइटनिंग भी हुई होगी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या बोलते हैं उसको इंड्यूस्ड चार्ज। स्टैटिक चार्ज है ना हाँ समझ गए तो अब स्टैटिक चार्ज की वजह से जो अपना ये एक्सपेरिमेंट हुआ इन्होंने देखा ये जो गैसेस थी ना यहाँ पे प्रेजेंट एच टू ओ सी एच फोर एन एच थ्री एच टू गैस ये सारी गैसेस में जब स्पार्क प्रोड्यूस करी और बाद में इस गैस को कूल cool करा गया जो बाकी का वातावरण बच गया इस गैस को कूल cool किया एंड यहाँ पे जब ये कंडेंसेशन हो गई कूल cool होने के बाद पानी बन जाता है गैस का इस पानी में हमें मिला प्रोटीन इस पानी में हमें मिले नाइट्रोजन बेसिस इस पानी में हमें मिली शुगर इस पानी में हमें मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिल गया किससे बना था इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया और उसी से फिर ये जो नाइट्रोजन बेस्ड शुगर वगैरह है उन्होंने बोला इसी से बना होगा आरएनए बना होगा और आरएनए से फिर डीएनए बना तो यूनिसेल्यूलर लाइफ से मल्टी मल्टीसेल्यूलर लाइफ बन गई ओके व्हाई ओनली स्टैटिक स्टैटिक चार्ज होता है ना इंड्यूस्ड चार्ज होता है फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने हाँ फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टैटिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रो मतलब तुमने वो वाला एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें हम ऐसे ऐसे कोम को अपने हेयर में रगड़ते हैं और फिर पेपर के पास लेके आते हैं तो पेपर ये देखो अभी जब मैंने किया है ना ये एक्सपेरिमेंट खुद भी यहाँ पे भी यहीं पे करके दिखा देती हूँ तुम्हें अपनी कॉपी से ही ठीक है ये देखो दिख रही हूँ मैं मैं दिख रही हूँ तुम लोग को ठीक है चलो स्टैटिक चार्ज देखते हैं आज है ना चलो चार्ज बाय रबिंग तो क्या होता है अः जब बादल क्रिएट होता है ना बादल में अपने आप चार्ज होता है इंड्यूस चार्ज आ जाता है तो बादल के चार्ज की वजह से आप देखो यहाँ पे दिख रही हूँ मैं एक मिनट रुको ये पेपर दिख रहे हैं तुम लोग को दिख रहे हैं पेपर अब देखो मैं इस ये मेरा पेन है इसको मैंने ऐसे अपने हेयर में रगड़ा आप देखना आ, ये देखो अपने आप चिपक गया ना ये दिस इज स्टैटिक चार्ज जो अपने आप आ जाता है दिख भी रहा था दिखा तुम लोगो कितना मजा आता है ऐसे ही वो भी चिपक जाते हैं ऐसे बलून्स और कभी कभी तुमको एक दूसरे को टच करने से भी वो लगता होगा करंट दिख रहे हैं तुम्हें ये पेपर के बिट्स जो अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ गिर कैसे चिपका था पर ये थोड़े से देर के लिए आता है ऐसा मत समझता बहुत देर के लिए आ जाएगा चार्ज yeah. ओके हाँ 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 ठीक है <laughs> चलिए एक्सपेरिमेंट भी हो गया क्लास में तो इस की वजह से लाइटनिंग हुई <coughs> बादल जो होते हैं ना उनमें अपने आप चार्ज आ जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसी नेगेटिव की वजह से नीचे अब देखो ये तो मैंने ऐसे रब करा इसलिए इसमें चार्ज आया लेकिन इसकी वजह से कैसे आया चार्ज इसमें अपने आप चार्ज आ गया इसमें अपने आप चार्जेस आ गए तो इनको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज इसी की वजह से लाइटनिंग जो करंट लगता है जो बिजली गिरती है वो सब भी इसी की वजह से होता है क्लियर चलिए अब चलते हैं आगे तो यही है बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ है ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है टेम्परे चार्ज होता है चलिए अब चलते हैं आगे है ना चले आगे चलो इसको थ्योरी को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वरना बोलोगे पता नहीं क्या लिखा था आपने तो बताया ही नहीं तो इसने बोला अमीनो एसिड बन गए अपने आप अपने आप अमीनो एसिड बन गए तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और लोगों ने भी करे और उन्होंने क्या देखा क्या क्या बन रहा था उनके पास शुगर बन रहा था नाइट्रोजन बेसिस बन रहे थे पिगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नाम होता है उसका पिगमेंट बने लिपिड्स बने ये सारी चीजें बन गई ओके okay. कौन सा पिगमेंट होता है प्लांट में चलिए क्लोरोफिल बिल्कुल सही है अंशु तो चलिए आगे चलते हैं क्लोरोफिल बिल्कुल भिल, सही है तो ये पिगमेंट वगैरह सब बन गए थे उसी इनऑर्गेनिक चीजों से तो वैसे ही धीरे-धीरे करके लाइफ आई अब आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन पे ये 22 साल के थे आप लोग कितने-कितने साल के हो जल्दी से अपनी एज बताएंगे सब लोग एज आरुषि अकितो यश सेड राहुल एकता ओके एकता भी है आज क्लास में ऑलराइट ऐसे ही कुछ था exactly याद नहीं है मुझे। 17, 16, okay, 18 भी है मुझे ओके भी कोई 24, Wendy, आप okay, 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 तो बाइस साल के थे मतलब मुझसे भी छोटे तब वो अपनी पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले उन्होंने सोचा अब मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और बड़े ही कूल उनके मम्मी पापा थे कि 22 साल की उम्र में उन्हें भेज भी दिया हमारे मम्मी पापा तो नहीं भेजते मतलब हमारी लाइफ में है ही नहीं हम इतना सोच ही नहीं सकते कि वरना मैं भी रिसर्च कर लेती अब तक लेकिन मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं जाऊंगी वॉयज करने मतलब एच एस बीगल इनके जहाज का नाम था और ये घूमने चले गए सेलिंग में ठीक है अब इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज देखी इन्होंने देखा कि अ एक्सटेंशन के बारे में मतलब आ, इन्होंने देखा कि क्या होता है कि धीरे धीरे ना कुछ स्पीशीज वैनिश हो जाती हैं अरे मैंने मैप लगाया तो था कहा गया Shit. मैप लगाया था मैंने इक्वाडोर का हट गया वो मैप तो इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड पे जब ये गए तो इन्होंने ना बहुत सारी एक बर्ड देखी इन्होंने एक बर्ड देखी फिर उन्होंने उसी आइलैंड के दूसरे पार्ट में वैसी ही बर्ड देखी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट थी वो फिर तो उसी आइलैंड उन्होंने वैसी ही अगेन बर्ड देखी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट थी तो यहाँ से इन्होंने ना इवोल्यूशन की थ्योरी दी एवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन के बारे में बताया जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि नेचुरल नेचर कैसे सेलेक्ट कर लेता है और कैसे जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं डार्विन इनफेंचर्स ओके okay, चलिए अब आगे चलते हैं एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग अर्थ हिस्ट्री न्यू टाइप ऑफ लाइफ ऑल्सो तो इन्होंने बोला कि धीरे धीरे जो लिविंग स्पीशीज होती हैं कुछ तो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और कुछ नई नई बनती जाती हैं तो ऐसा नहीं है अगर हम आज बोल रहे हैं कि स्पीशीज बहुत तेजी के साथ एक्सटिंक्ट हो रही हैं चीता एक्सटिंक्ट हो जाएगा राइनोसोरस एक्सटिंक्ट हो जाएगा लेकिन बहुत सारी स्पीशीज बन भी रही होती हैं और तो यही बताया था डार्विन ने भी इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन जो होता है उसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज बीन ग्रेजुअल मतलब इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है कि सौ साल तक ये स्पीशी थी फिर धीरे धीरे खत्म होते गई फिर दूसरी स्पीशी आ गई रिप्लेस हो गई वो वाली स्पीशी तो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस जो होती है वो होती है एक किसी के भी एबिलिटी टू अडैप्ट टू अ चेंज जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल सिड कल से बायोटेक है ओके okay, कल से है बायोटेक चलिए फॉर एग्जांपल हम सब की लाइफ आराम से चल रही थी बहुत अच्छा चल रहा था लाइफ में सब कुछ लेकिन अचानक से क्या हुआ एक वायरस आ गया क्या वायरस का नाम क्या था उसका जल्दी से बताएंगे बेगर्ल्स मैम जल्दी से बताएंगे एक वायरस कौन सा आया था हमारी लाइफ में बताओ बताओ कौन सा आया था वायरस कोविड आया था अंशु सेड, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब क्या हुआ अचानक से क्या हुआ वो जो आपके बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग टीचर्स थे जिनको फोन यूज करना पसंद नहीं था जिनको लैपटॉप यूज करना नहीं आता था उन्होंने क्या किया सो so दैट वो आप लोगों तक पहुंच पाए उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी बहुत सारे मीम्स बन रहे थे उस टाइम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बन रही थी कि टीचर जो है वो वाइट बोर्ड खरीद के लेकर आया फिर उसने कुछ जुगाड़ करके अपना ट्राईपॉड स्टैंड तो था नहीं टीचर्स के पास बाहर भी नहीं जा पा रहे थे तो कुछ वाइपर के ऊपर ही फोन रख दिया इस टाइप की चीजें करी डस्ट पैन के ऊपर फोन रख दिया ऐसी चीजें हुई है ना तो इन्होंने बोला कि फिटनेस जो होती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी है लेकिन एक और इन्होंने बात बोली कि, कि तो पढ़ नहीं नहीं, तो ही नहीं सकता तो अभी आप कौन सी क्लास में होते है? दो साल पीछे होते हैं अभी आप है ना यानी अभी आप टेंथ में होते है. लेकिन आपने क्या बोला कि चलो ठीक है फोन से पढ़ लेंगे है ना आपने बोला चलो ठीक है पेपर नहीं हो रहे तो हम आ... और वैसे पेपर दे देंगे मतलब चीटिंग कर करके पेपर दे देंगे आपने कर लिया राइट right? नहीं शुभम ऐसा कुछ भी नहीं है शिवम शिवम ऐसा कुछ भी नहीं है यार मैं ऐसे क्यों करूंगी तुम लोग के साथ सबका नाम लेती हूँ मैं चलिए 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 आगे चले हाँ तो हम क्या कर गए उस टाइम हमने क्या किया किया चेंज को तो आज हम कर गए है ना एज अ रिजल्ट ओनली हैं और बाकी जनरेट करते हैं मोर यानी कि फिटनेस ये नहीं है कि तुम जाके पोल्स पे रहने लग जाओ फिटनेस ये है फिटनेस ये है कि वहां पे तुम सर्वाइव भी कर रहे हो वहां पे तुम रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो रिप्रोड्यूस करके ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चा हो गया अगले दिन पता ही नहीं है कि बच्चा गया कहाँ पोलर बेर खा गया होगा उसको ठीक है तो ऐसा भी नहीं है आपको अडेप्ट भी करना है और दूसरी चीज आपको क्या करनी है आपको रिप्रोड्यूस करना है और रिप्रोड्यूस ऐसा करना है कि आपकी जेनरेशन जो है आगे बढ़ती जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ तो हम बोलेंगे कि कोई स्पीशी फिट है चार्ल्स डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिटनेस जो है आपकी एबिलिटी टू अडेप्ट है प्लस प्लस रिप्रोडक्टिव फिटनेस है गॉड इट ओके चलते हैं अब आगे एज अ रिजल्ट दे हैव हायर सर्वाइवल रेट एंड दस चोजन बाय नेचर तो अब जैसे आपकी दूसरी बर्ड्स हैं जैसे डोडो है डोडो क्या है डोडो बताएंगे और ये आपकी जो बस्टर्ड है राजस्थान से अगर कोई होगा तो उसको पता होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सी चिड़िया है और क्यों हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो भी बेचारी अब स्ट्रगल कर रही है बहुत कम चिड़िया बची हैं और अब ऐसा हो रहा है कि खत्म होती जा रही है वो कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट भी हो सकती है क्लियर डोडो एक्सटिंक्ट स्पीशी है बर्ड की क्या हुआ था कि आई थिंक इंडोनेशिया में होती थी वो बर्ड उतना मेरे को ध्यान नहीं है ज्यादा लेकिन जहाँ पे वो बर्ड होती थी धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे ना बंदर इंट्रोड्यूस कर दिए तो जो बं, बंदर थे डोडो अपने अंडे जमीन पे देती थी और बंदर कुछ तो करते थे उनके अंडे फोड़ देते थे या ऐसा कुछ या फिर डॉग्स इंट्रोड्यूस करे थे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो उनके फिर बेबीज हो नहीं पाए और डोडो मर गई लेकिन अभी बात की जा रही है कि डोडो को दोबारा लेकर आएंगे ओके चिकन जैसे बहुत बड़े होते थे यार वो उनकी चोंच भी कुछ अलग होती थी पर अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बोले थे डोडो को वापस लेके आएंगे ओके चले आप आगे चले अब आ जाते हैं पेलियंटोलॉजिकल प्रूफ के ऊपर हम आएंगे जब आप ये क्वेश्चंस करोगे चलो शुरू हो जाओ क्वेश्चंस हाँ डोरेमोन में देखा था डोडो चलिए हाँ जी चलिए बताएंगे क्वेश्चन का आंसर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन क्या कहती थी जस्टिस फॉर डोडो तो आने वाली है डोडो लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि डोडो को वापस नहीं लेकर आना चाहिए चलिए आंसर है डी किसने बताया अंशु तेजस्वी वैंडी आ, ओके सेड उत्कर्ष हर्षा ओके 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 अपूर्व एकता चलिए लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली ऐसे ऐसे मैं ऐसे करूंगी और लाइफ आ जाएगी नीदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम लॉन लिविंग बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही है सबका हर्षिता सुमित स्नेहा विशाल स्टूडेंट आरुषि उत्कर्ष चलिए क्वेश्चन नंबर टू पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है पेलियंटोलॉजी मतलब फॉसिल होता है बेसिकली ठीक है तो हम ऑलरेडी हमने ये पढ़ा नहीं था इस वजह से मैंने आंसर बता दिया पेलियंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं हार्ड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि रॉक्स में डिस्कवर होते हैं यानी कि ऐसे ये जानवर था फिर वो मर गया उसका हार्ड पार्ट था यानी कि हड्डियां हो सकती हैं या फिर या फिर शेल हो सकता है अब वो मिट्टी के अंदर मर गया इसके ऊपर और मिट्टी आएगी और मिट्टी आएगी और मिट्टी आएगी और मिट्टी आएगी धीरे धीरे नीचे-नीचे नीचे-नीचे चले जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा ये मतलब जो मिट्टी मिट्टी थी ना वो सेडिमेंटरी रॉक्स बना देगी और उसी के बीच में मिलेगा हमको फॉसिल तो बहुत इम्पोर्टेंट है कौन से रॉक में मिलता है सेडिमेंटरी रॉक में मिलता है रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट स्पीशी भी देख सकते हैं हमें कैसे पता चला कि कोई डायनासोर था कोई टीरेक्स भी नाम का जानवर था हमें पता चलता है फॉसिल से जिसमें हम पुराने स्पीशीज की बात करते हैं बिल्कुल सही बात है तो आंसर क्या होगा वेरी गुड अंशु सेडिमेंटरी रॉक्स ओके हाँ चलें अब आगे तो क्या होता है इससे हमें इवोल्यूशन पढ़ने में मदद होती है क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा पहले ऐसे लोग रहते थे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा होता था फिर अब ऐसा हो गया तो सिविलाइजेशन पढ़ रहे होंगे उसमें हम अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मिलते हैं तो उसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है कि क्रोकोडाइल जैसा ही जानवर पहले भी मिलता था ऐसे ऐसे चीजें हु प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ लाइफ कुड have यहाँ पे लाइफ है कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक molecules कौन बताएगा फटाफट से बताएंगे किसने बताया था इसके बारे में बी 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 किसने बताया था यस yes. फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बी वेरी गुड एवरी वन क्या होगा आंसर वेरी गुड वेरी गुड आंसर होगा बी आंसर होगा बी ऑपरेन एंड हेल्डेन इन्होंने बताया था और एस एन मिलर ने प्रूव किया था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू ऑपरेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्टर ऑफ दर्थर से क्या प्रेजेंट नहीं था ये बताना है आपको बताएंगे फटाफट से चलिए हा जल्दी से बताएंगे आंसर बीबीबी कौन कौन कह रहे हैं उत्कर्ष तेजस्विनी हर्षिता एकता माधव वेरी गुड विशाल ओके अपूर वारुषि बिल्कुल सही है आप सभी के आंसर आंसर होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था मीथेन हाइड्रोजन ये सारी चीजें बिल्कुल सही बिल्कुल सही एवरीवन क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज अ क्या था पहला जो चीज आई थी क्या था वो क्या हो सकता है वो साइनोबैक्टीरिया हो सकता है कीमोहेटरोट्रॉफ हो सकता है ऑटोट्रॉफ हो सकता है फोटोऑटोट्रॉफ हो सकता है बताएंगे बताओ जल्दी से हाँ मैंने बोला था तेजस्विनी लेकिन कुछ तो ग्लिच है मेरी प्रोफाइल में जो कि अभी ठीक नहीं हुआ है तो मैं यूट्यूब पर ही करवाऊंगी क्वेश्चंस ओके youtube पर ही होंगे क्वेश्चंस बताओ आंसर क्या होगा सब बोल दो एबीसीडी सब बोल रहे हैं बताएंगे बड़ा बच्चे ए या डी ए या फिर डी फोटो या फिर साइनोबैक्टीरियम बताओ साइनोबैक्टीरियम या फिर फोटो जल्दी से बताएंगे जल्दी से यस डी 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 ए ए तो आई थिंक साइनो बैक्टीरियम होना चाहिए ये ना कि फोटो ऑटोड्रॉप आई थिंक सो ये मेरे को पक्का नहीं पता है मैं हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकती पर आई थिंक ए होना चाहिए ओके okay? चलिए नेक्स्ट शिप कौन सा था चार्ल्स डार्विन का पता है तुम्हें ये नीट का क्वेश्चन है हाँ नीट का क्वेश्चन है ये एच एम एस बीगल बिल्कुल सही है माधव सुमित अंशु अपूर्व यश मैंने ये ही बोला है ओके एच एम एस बीगल नीट में आया था ये क्वेश्चन सोचो तुम कितना इजी चलिए अब आ जाते हैं अगेन फॉसिल्स पर किसका फॉसिल है ये कौन गैस करेगा गैस करो किसका फॉसिल है क्या जानवर लग रहा है तुम्हें ये यस yes, बताएंगे फटाफट से जल्दी बताओ यार एकदम से खत्म करनी है हमको क्लास फिर ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे सेशन चलिए बताएंगे फटाफट से हम क्रोकोडाइल लिजर्ड 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 आई थिंक ये क्रोकोडाइल का है नहीं लिजर्ड का है लिजर्ड 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 किसी लिजर्ड का फॉसिल है ये हाँ चलिए अब चलते हैं आगे ये वाला बताओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये है एक पंख ये है पंख ठीक है और यहाँ पे ये देखो इस डायनासोर का सर भी है ये इसके विंग्स होंगे शायद से ऐसे ऐसे करके ये इसके विंग्स थे और ये इसके पैर भी हैं इतने बड़े बड़े मतलब काफी ज्यादा बड़ी चिड़िया टाइप का यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये विंग्स वाला पार्ट है ये ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे, ऐसे से दिख रहा होगा तुमको है ना हाँ टेरानोसॉरस में नहीं है ये बताएंगे फटाफट से किसका है ये आर्यो टेरिक्स आरकि टेरिक्स क्लास टेन में भी पढ़ा था आपने आरकि टेरिक्स जिसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड प्लस रेप्टाइल्स यानी इन ये ऐसे जानवर हैं जिनके पास बीक भी थी मतलब बीक भी थी इनके पास चिड़िया जैसी और ऐसे ऐसे दा, दांत भी थे क्रोकोडाइल जैसे आर क्यूबे नीलेंदु कहा थे आप इतने लेट यश बिल्कुल सही है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है पेलियंटोलोजिकल प्रूफ जिसमें हम फॉसिल्स की पढ़ाई करते हैं और हम बोलते हैं कि अच्छा ये तो जैसा लग रहा है कुछ और ये तो रेप्टाइल जैसा भी है इसका मतलब हमने क्या बोला इसका मतलब हमने बोला बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई है यानी कि जो मुर्गी दिखती है ना मुर्गी किसी जमाने में वो ही डायनासोर भी थी ओके okay? हाँ यश कह रहे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दो तो कर दो प्लीज ओके okay? अब हम आ जाते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे यहाँ से क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में मैंने देखा था ओके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है डाइवर्जेंट मतलब दूर दूर जा रहे हैं दूर दूर जा रहे हैं दूर 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 डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है एक कॉमन इंसिस्टर है यानी वुल्फ वुल्फ से ही हमारी फॉक्स माता बन गई और वुल्फ से ही डोमेस्टिक डॉग भी बन गया से ही जैकल बन जाएगा यानी डाइवर्ज हो रहे हैं डाइवर्ज दूर दूर जा रहे हैं वुल्फ से ही बहुत सारी चीजें बन गई ओके, ओके, अब आ जाते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में यानी चिड़िया जो है वो उड़ती है चमकादड़ भी उड़ता है और तितली भी उड़ती है लेकिन ये सब के सब क्या है आपस में कोई भी लिंक्ड नहीं है ये मैमल है ये मैमल है ये आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा है, 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 ये है, ये जो बर्ड एव्स है। इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में तो ये सारे वुल्फ से ही हस्की, आपका हस्की जो डॉग है और जो आपने ट्वाइलाइट में देखा होगा कि वो जानवर भी था वो वुल्फ भी था ये सब क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ गए चले अब आगे किसका नेम गलत है डोमेस्टिक डॉग हाँ डोमेस्टिक डॉग लिखा हुआ दौग है डॉग है ये ठीक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ तो uh, इनमें क्या है सिमिलरिटी है डिजाइन में बॉडी के यानी होमोलोगस ऑर्गन है होमो मतलब एक जैसे होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है इसका मतलब इनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि कहीं ना कहीं एक ही स्पीसी से कभी बहुत 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 साल पहले कोई एक स्पीशी थी और वो धीरे धीरे ऐसे डिवाइड होती गई कि उसी से चीता बन गया उसी से आपका ह्यूमन बन गया उसी से आपका बैट बन गया उसी से आपका वेल बन गया समझ गए गॉट इट ओके अकी तो अच्छा कीमोहेड्रोट्रॉफ बता रहे है क्या ठीक है तो कीमो हेड्रोट्रॉफ कर लो कीमो ओके आंसर अकीतो ने चेक किया है इंटरनेट पर और वो कह रहे हैं कीमोहेट्रोट्रॉप होगा मैम ओके okay? चलिए ओके ओके okay, ओके okay, okay. चलो अब आगे चलते हैं ठीक है तो ये है होमोलोगस ऑर्गन्स आर यूनिक एबिलिटीज सबका अलग अलग काम चल रहा होगा सबका लेकिन स्ट्रक्चर है काम अलग अलग कर रहे होंगे यहाँ देखो ह्यूमरस देखना ह्यूमरस इंसान का ह्यूमरस बैट uh, कैट का ह्यूमरस वेल का ह्यूमरस बैट का ह्यूमरस रेडियस देखो ह्यूमन का रेडियस इसका रेडियस इसका रेडियस और इसका रेडियस अलना देखेंगे इसकी अलना ये कैट की अलना है ये वेल की अलना है और ये बैट की अलना है मेटा कार्पल्स कार्पल्स देखो कार्पल ये येलो कलर के दिखेंगे आपको सबके पास सेम है सेम है ये बता सोच रहा हूँ कि मैम इसका तो छोटा सा है ये वाला पार्ट हड्डी प्रेजेंट है हड्डी प्रेजेंट है ना हड्डी प्रेजेंट होनी चाहिए बस सेम फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, याद रखना है ओके okay? चले आगे यहाँ देखेंगे फैलेंजेस देखेंगे सबके पास सेम है सेम सेम क्लियर है चले आगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया होमोलॉजी मतलब हमें कॉमन एंसेस्टर पता चलता है हमें आ, पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका सेम कॉमन एंसेस्टर था होमोलोगस के केस में क्या है का ब्रेन और हार्ट बोगनवेलिया के थॉर्न्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में बोगनवेलिया के थॉर्न्स कांटे एंड रिंगलेट्स ऑफ कुकुर बिता होमोलोगी है मतलब सेम स्ट्रक्चर से सेम टाइप के सेल से एक तो कांटा बन गया और दूसरा टेंडरल टाइप का बन गया अब आ जाते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे जैसे कि विंग्स ऑफ बैट एंड ऑफ बर्ड बटरफ्लाई ये सब दिखने में सेम है लेकिन है कितने अलग अलग फोटो नहीं लगाया शायद मैंने ठीक है एनालोगस ऑर्गन इंपॉर्टेंट है पूरा बायो मैम उत्कर्ष गलत समझ लेते हैं क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो उत्कर्ष क्या हो गया चलिए अब आ जाते हैं आगे एनोलोगस ऑर्गन्स पर जो कि दिखने में सिमिलर है जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड स्ट्रक्चर लगे काम एक ही कर रहे होंगे ठीक है चल अब आ जाते हैं आगे यहाँ इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आईज ऑफ मेनी सच एज ऑक्टोपस ऑक्टोपस की की आंखें आंखें और मेरी दोनों आंखों जैसी ही लगती हैं पर अलग चीजों से ओरिजिन हुआ है उनका ऑफ पिंग एंड डॉल्फिन देखने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है लेकिन ओरिजिन उनका कहीं और से हुआ है स्वीट पटेटो जो कि क्या है रूट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट और पटेटो क्या है स्टेम है लेकिन काम उनका एक ही है क्या एडजस्टमेंट फॉर कैपेसिटी ऑफ नरिशमेंट क्लियर ओके एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मैम जिन जिन के एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं ना देखने में जैसे यहाँ फिश का बच्चा देखो एम्ब्रियो रेप्टाइल का एम्ब्रियो देखो बर्ड का देखो ह्यूमन का देखो तो वो कह रहे हैं कि सबका ही सेम है इसका मतलब कभी ना कभी एक जैसे होंगे इसकी भी, इसकी, भी इसकी भी टेल है इसकी भी टेल है इसकी भी टेल है हमारी भी टेल थी पहले कभी बहुत पहले अब नहीं है है ना सबके गिल स्लेट्स होते हैं यानी आप जब मम्मी के पेट में थे तो आपके भी यहाँ प्रेजेंट थे मछली के जैसे लेकिन रह जाते हैं वो लास्ट तक मछली के पास ही बाकी सब में गायब हो जाते हैं क्लियर क्लियर है चलिए अब आगे आगे आ, आ जाते हैं यहाँ इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं इसको क्लास खत्म होने वाली है ज्यादा देर की नहीं बची है ऑल राइट right, चलो दो मिनट रेस्ट ले लेती हूँ फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बताएंगे फटाफट से लाइक कर दिया सबने सेशन को हाँ लाइक कर दो यार सेशन को चलिए अब बताएंगे कुछ कैसी चल रही है तैयारी आपकी टेलीग्राम नॉट वर्किंग बस चल रही है तैयारी का तो पूछो ही मत है ना? चलिए, अब आ जाते हैं आगे। ये है आपका मौत। ये है आपका ये ये बहुत ही क्यूट होते हैं ये भी मौत बटरफ्लाई टाइप के ही कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म लेकिन मौत है अब यहाँ देखेंगे आप ये है लाइकन लाइकन जो होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है तो क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले क्या होता था कि वाइट कलर के ये मौत मिलते थे ओके व्हाइट कलर के मौत ज्यादा मिलते थे और ब्लैक कलर के मौत नहीं मिलते थे क्योंकि क्या होता था कि के ऊपर देखो ये जो पेड़ है कोई पेड़ है पेड़ के ऊपर क्या है पेड़ की बाग पे लाइकन है लाइकन के ऊपर व्हाइट कलर के बैठे हैं तो दिखेंगे नहीं ब्लैक कलर के बैठे हैं तो दिख जाएंगे क्रो को तो ब्लैक वालों को खाता जाएगा वो और वाइट वाले बचते जाएंगे लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि जो लाइकन है वो खत्म हो गई क्यों हो गई मैम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया और जो लाइकन होती है वो पोल्यूशन में नहीं रह पाती तो इसी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो वाइट वाले थे ना ये जो वाइट वाले थे अब ये डार्क कलर की bark में दिखने लग गए crows को अब ये अब ये वाले दिखने लग गए तो अब ये वाले खत्म हो गए कुछ टाइम बाद व्हाइट वाले बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए खत्म हो गए सिर्फ ब्लैक वाले बच गए दिख भी रहा है आपको ब्लैक ओके okay? हाँ, की वजह से बिल्कुल सही है नहीं मैं कंटिन्यू रखूंगी क्लासेस को क्योंकि क्वेश्चंस भी करवाने हैं ओके okay? चले यहाँ पे ये देख लेते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1920 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो रेशियो था वो चेंज हो गया इसका ज्यादा हो गया मोर एंड इनका कम हो गया सेम एरिया में तो ये क्या है एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड मैन मेड कॉजेस की, की वजह से इवोल्यूशन होना इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जैसे कि जब वहां पे बस्टर्ड रहती थी ना मैंने आपको बताया कि बस्टर्ड है राजस्थान में कौन है राजस्थान से स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है राजस्थान से कोई स्टूडेंट है आर्टिफिशियल बिल्कुल सही राजस्थान से है कोई हाँ तो उनकी स्टेट बर्ड जो है स्टेट बर्ड वो है अपनी बस्टर्ड बस्टर्ड क्या है ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती है ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ती है तो जो वहां पे तार लगाए थे ना खंबे के ऊपर बिजली के तार इनके इनके बीच में ही आ जाती थी बस्टर्ड और मर जाती थी फिर तो ये भी क्या है एक कॉज है एंथ्रोपोजेनिक कॉज ओके के पिक्चर्स देखे हैं वो मेरी फेवरेट बर्ड है हाँ देखे हैं मैंने मैं बर्ड वॉचिंग करने भी जाती हूँ हाँ ओके, से हैं आप स्नेहा चलिए उत्कर्ष वेरी गुड चलिए आ जाते हैं आप एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स पता चल गए यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑल राइट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है अब आ जाते हैं अडाप्टिव रेडिएशन रेडिएशन मतलब जो रेडिएट होती है चीजें जैसे सन की रेडिएशन आती है वैसे ही अडाप्टेशन वाली भी रेडिएशन होती है जैसे एक कॉमन एनसिट एंडर यानी कॉमन अब ये बर्ड जो थी वो सीड खाती थी तो कुछ तो बर्ड रह गई जो सीड खाने लग गई ठीक है सीड ईटर्स बर्ड रह गई कुछ कुछ बर्ड्स कैक्टस के सीड्स और प्लांट खाने लग गई तो उनकी बीक चेंज हो गई कुछ बर्ड जो थी इसी बर्ड से वो इंसेक्ट खाने लग गई तो उनकी बीक देखो कैसे चेंज हो गई है ये कुछ बर्ड्स जो है वो फूल की पत्तियां और फूल के फ्रूट्स खाने लग गई तो उनकी बीक थोड़ी तोते टाइप की हो गई तो ये है अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल जिसमें हम डार्विन फिंच के बारे में पढ़ते हैं डार्विन डार्विन तो ने देखा जब वो गैलेपेगोज आइलैंड गए तो उन्होंने क्या देखा देखती हूँ हाँ ये रहा इक्वाडोर इक्वाडोर के सामने ही यहाँ पे गैलेपेगोज आइलैंड है काफी बड़े बड़े आइलैंड दिख रहे होंगे आपको सेंटा कोज क्रूज क्रूज इजाबेला ठीक है ये सारे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा गैलेपेगोज आइलैंड्स ये सारे आइलैंड्स का पार्ट है अब इन्होंने क्या देखा कि इस वाले आइलैंड नंबर वन पे हमें एक बर्ड दिख रही है जो खाती है सीड्स वैसी ही बर्ड हमें इस वाले आइलैंड नंबर टू में दिख रही है पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ एक सेकेंड दो मुझे ठीक है अब ठीक है आइलैंड नंबर नंबर पे पे हमें एक बर्ड बर्ड दिखी दिखी आइलैंड उसी के जैसी लेकिन वो कुछ और ही खा रही थी आइलैंड नंबर थ्री पे हमें वही सेम बर्ड दिखी पर वो कुछ और खा रही थी और उसकी वजह से उसकी बीक चेंज हो गई तो इसी को डार्विन ने बोला अडेप्टिव रेडिएशन और उन्होंने बोला कि अडेप्टेशन की वजह से जो बीक का शेप है वो चेंज हो गया बर्ड्स में एंड अडेप्टन आई कैसे जो जो खाना वो खा रहे हैं उसकी वजह से अडाप्टेशन आई है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडाप्टिव रेडिएशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं शिवम कौन बताएगा क्या लगता है आपको बताओ क्लास में कोई बताएगा क्लास में है कोई जो बता दे इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है क्वेश्चन है ना एडॉप्टिव रेडिएशन में भी एक ही कॉमन एनसिस्टर है और इतनी सारी चीजें बन गई बी चेंज हो गई और वहां पे क्या हो रहा था अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो रहा था बताएंगे हाँ स्वाति मैम इसलिए नहीं करवा रही हैं क्योंकि वो आई थिंक uh, मतलब छुट्टी पर हैं या ऐसा कुछ है उनका किड्स रैपिड चेंजेस नहीं आते हैं बिल्कुल सही है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जो हमने होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़े थे तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आदमी चीता था और आज वो वेल बन गया वो बहुत ज्यादा टाइम के बाद इवोल्यूशन है मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद और ये थोड़े कम टाइम में आई है अडॉप्टिव रेडिएशन ओके हां चले आगे चलो सुमित सुमित कह रहे हैं कि ओरिजिनल एंसेस्टर है मैम हाँ, ओके चलिए स्वाति मैम आ जाएंगी क्या दिक्कत है बोलो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम स्वाति मैम को लेकर आ जाओ प्लीज चलिए ठीक है आगे चले पिक्चर्स पता चल गया आइलैंड पता चल गया अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के ऊपर क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ना ऑस्ट्रेलिया जो है बाकी सारे कॉन्टिनेंट से बहुत दूर दूर है यानी कि यहाँ के जो जानवर हैं वो ज्यादा दूर जा नहीं पाए ठीक है अब ज्यादा दूर नहीं जा पाए तो यहीं पे रह गए इसी आइलैंड पे रह गए तो क्या हुआ उनमें कुछ भी इवॉल्यूशन नहीं हुआ ओके क्या हुआ है कुछ भी हाँ समझ गए क्या हुआ इनमें कुछ भी इवोल्यूशन नहीं आए तो तब आएगा ना जब कंपटीशन होगा तो इवोल्यूशन तब आता है जब कॉम्पिटिशन होता है कॉम्पिटिशन है ही नहीं क्योंकि ना तो बाहर से कोई आ रहा है ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है है ना तो अब क्या हो रहा है यहां पे कुछ भी इवोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसलिए लॉजिकल स्टॉक दीज मार्स ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स वेन मोर देन वन वर्सिटाइल रेडिएशन शोज अप

to show versatile radiation. They appear to be advanced from marsupial into different present creatures. The present is ज़्यादा कुछ है नहीं important. यहाँ पे क्या होता है Australia में हमें Australian marsupials भी दिखते हैं और हमें placental mammals भी दिखते हैं उसी type के और जगहों पे. ठीक है. Swati मैम आजकल पढ़ा रही है और मैम स्वाति मैम गुस्सा होके चली गई कॉज लो स्टूडेंट एंड समवर मिसबिहेविंग अच्छा ऐसा है क्या मुझे नहीं पता इतना तो वैंडी इतना आइडिया मुझे नहीं है अच्छा स्वाति नाम का आपको समझ आता है लेकिन वो नहीं आता है समझ और टीचर्स का अब क्या ही बोल सकते हैं स्वाति मैम आई थिंक इलेवेंथ को पढ़ा रही है आजकल केमिस्ट्री हाँ okay, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था मेरी बात भी नहीं हुई है स्वाति मैम से आज पूछूंगी है ना किस किस को जानना है बताओ मार्सुपियल वाला पार्ट आपको बताना है एक्चुअली मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी एक काम करेंगे कि इसको दोबारा पढ़ लेंगे ठीक है मार्सुपियल्स को स्टूडेंट्स मार सुपेल वाला पार्ट मैं भी कंफ्यूज हो गई खुद भी जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे तो एक काम करेंगे इसको दोबारा रिविजन में क्वेश्चन के टाइम पे कर लेंगे ओके okay. चलिए ठीक है आगे आ जाते हैं क्या हो गया नीलेंदु आ... सुमित एंड बाकी जिन बच्चों को भी मार्सुपियल पढ़ना था अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लो लोसुपियल मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था लेकिन अभी मैं ना एकदम से थ्योरी कंफ्यूज हो रही हूं। पर हम क्वेश्चंस में कर लेंगे इसको ठीक right. है कोई दिक्कत नहीं है और राइट चलिए इसका मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गई अभी जब मैंने थ्योरी पढ़ी इसकी कि मैंने क्या लिखा हुआ है ये तो इसको कर लेंगे हम बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं यहीं पे हूँ कहीं नहीं जा रही हूँ और राइट हाँ, चलिए थैंक यू अभी आगे चलते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज द बेसिस ऑफ डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं दस एंड रेट ऑफ न्यू स्पीशीज इज साइकिल फॉर वेरिएशन टू गेट चोजन एंड डेवलप नीड्स टू बी जेनेटिक तो हमने जो फर्स्ट क्लास टेन का एग्जाम्पल देखा था तो वेरिएशन सो so दैट अगले जनरेशन में जाए उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो जेनेटिकली इनहेरिट हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स विद बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस आर बेटर एडजस्टेड टू सर्वाइव इन अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट ये तो हमें पता ही है है ना जिसके पास बेटर मॉडिफिकेशन होंगी वो तो ज्यादा अच्छे से रह पाएगा स्पाइडरमैन मर जाएगा बैटमैन बच जाएगा ठीक है वेरिएशन जो होते हैं कॉज एडजस्टेबिलिटी वेरिएशन आर हावर जेनेटिक बेसिस एंड वेरिएशन आर इनहेरिटेड यानी कि जो हमने सबसे पहले देखा था अच्छा वैंडी आई वॉज इन द लास्ट से चले ठीक है जो भी है आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हमने फर्स्ट मतलब फर्स्ट लाइड में हमने समझा था कि वो जो ग्रीन कलर हो गया था कीड़े का अगले जनरेशन में वो तभी जाएगा अगर उसका जेनेटिक बेसिस होगा अगर सिर्फ वो ऐसे ही सोमेटिक सेल का वेरिएशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर अगर डीएनए यानी जेनेटिक चेंज है तो ही वो अगली जनरेशन में जाता है क्लियर चले आगे चलते हैं आप आगे फिटनेस की हमने बात कर ली थी एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अकोमोडेट इटसेल्फ इन वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन तो हमने दो चीज पढ़ी है Darwiz, में हमने बोला है नेचुरल सिलेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा फिट स्पीशी हो जाती है उसको नेचर खुद ही सेलेक्ट कर लेता है फिट स्पीशी जब हम कहते हैं तो दो चीजें होनी चाहिए एक कि वो कर ले दूसरा कि वो जो न्यू कंडीशन में अडाप्ट कर रही है वहां पे वो रिप्रोड्यूस करे और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए दूसरा हमने बोला थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट यानी कि लाइफ फॉर्म्स आर ड्रिवन फ्रॉम कॉमन प्रिकोस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ वेराइटीज तो बहुत जो कॉमन एक एनसेस्टर होता है फिर धीरे धीरे वो ऐसे वेराइटीज में अलग अलग कॉजिस की वजह से वो चेंज होता रहता है उसमें अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं जैसे हमने डॉगन फिंचस में देखा था कि नॉर्मल जो सीड ईटिंग बर्ड थी बाद में वो फल खाने लग गई तो उसकी चेंज हो गई बीक की शेप कुछ बर्ड फ्लावर और ये सब खाने लग गई तो उनकी बीक की शेप अलग हो गई कुछ बर्ड इंसेक्ट खाने लग गई तो उनकी बीक की शेप अलग हो गई थी ओके okay. चलिए हाँ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर हाँ चलिए क्वेश्चन बताइए एनिमल हजबेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग ठीक है आर एग्जाम्पल्स ऑफ बताएंगे फटाफट से डोंट स्पैम स्पाम मत करो भाई जल्दी से आंसर बताओ खत्म होने वाला है हाँ बनी मंडल इतना लेट स्नेहा बनी तेजस्विनी स्टूडेंट राहुल एवरीवन बिल्कुल सही है आंसर होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या कर रहे हैं आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम खुद अपने कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा है डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए ये होनी चाहिए ये होना चाहिए क्लियर बिल्कुल सही है सबका जिसने भी बी बोला है ओके okay? सी नहीं होगा बी होगा चलिए बोन्स ऑफ चीता मैन आर सेम स्ट्रक्चर बिकॉज बताएंगे फटाफट बताएंगे one organism has given rise to another, ऐसा है या फिर जल्दी से बताओ बताएंगे जल्दी से बताएंगे आंसर कुछ लोग कह रहे हैं मैम डी होगा कुछ लोग कह रहे हैं मैम सी होगा सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सेम फंक्शन थोड़ी ना परफॉर्म करता है सी जिसने भी बोला है सी तो नहीं होगा बच्चों सेम फंक्शन नहीं करते हैं ना होमोलोगस हैं हाँ आंसर क्या होगा कॉमन एंसिस्टर है उनका बिल्कुल सही है जिसने भी बी बोला है पढ़ाई करने आया हूं नीलेंदु बिल्कुल सही है चलिए दे शेयर ओ कॉमन एंसिस्टर अब चलते हैं आगे एनालोगस ऑर्गन्स की वजह से क्या होता है बताएंगे फटाफट एनालोगस ऑर्गन की वजह से क्या होता है यस एनालोगस ऑर्गन आंसर क्या होगा आंसर बनी ने बिल्कुल सही बोला है बनी कह रहे हैं मैम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गन हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में मिलते हैं ना कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्लियर है हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमको होमोलोगस मिल रहे थे एंड यहां पे हमको एनालोगस मिलते हैं क्लियर ओके okay. चलते हैं आप आगे फॉसिल्स कौन से टाइप के रॉक में मिलते हैं जल्दी से बताओ यस जल्दी से बताएंगे फटाफट से आ, ए ए ए, ए, ए रवि ठीक है बिल्कुल सही बात है कहा मिलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलते हैं क्लियर ओके Chalo. Haan. sedimentary rocks next question presence of gills in tadpoles of frog indicate that Kya batate hain? fishes were amphibious fishes evolved from frog frog like ancestors frog will have gills in future

क्या ये सच है या डी सच होगा राहुल पढ़ाई करने आया हूं एंड तुषार रवि आंसर ए नहीं है बी भी नहीं है फिश इवॉल्व नहीं हुई थी देखो लाइफ जो आई थी ना सबसे पहले लाइफ जो आई थी सबसे पहले वाटर में आई थी तो फिश किसी से इवॉल्व नहीं हुई है हम लोग फिश से इवॉल्व हुए हैं यानी कि आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर होगा डी ओके, फ्रॉम गिल सोनू ओके चलते हैं अब आगे फिटनेस अकॉर्डिंग टू डाबिन रेफर्स टू बताएंगे फटाफट से, सेम टाइम है टू थर्टी टू थर्टी जल्दी से बताएंगे हाँ जी आंसर बी बताओ डार्विन ने फिटनेस को क्या बोला था एक तो हमने बोला था अडप्टेशन और दूसरा हमने क्या बोला था रिप्रोड्यूस तो आंसर क्या होगा डी राहुल विशाल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के तेजस्विनी आंसर होगा डी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन अब आ जाते हैं आगे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी ये तो बहुत इजी है बताओ फटाफट से हाँ सुमित रिप्रोडक्टिव फिटनेस बिल्कुल सही है हाँ किसने दी थी नेचुरल ने मैम बिल्कुल सही है सुमित सी होगा नॉट डी ओके okay, आंसर होगा प्रीति ने बिल्कुल सही बताया है बनी मंडल वेरी गुड चलिए चलिए अब आगे चलते हैं प्रिजर्व फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स क्या बताते हैं हमें इट वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम परमेजियन पीरियड जुरासिक पीरियड ट्रायसिक पीरियड परमेसियन पीरियड जल्दी से बताएंगे परमियन पीरियड बताओ फटाफट से सी सी मैम ओके बी है या सी है एक बार डिसाइड कर लो जल्दी से बताएंगे बी या फिर सी सी बी सी बी सी बी सी जल्दी से बताएंगे बी और सी तुषार कह रहे हैं मैम बी होगा एंड शिवम कह रहे हैं मैम बी होगा सुमित कह रहे हैं डी होगा आंसर होगा बी बी जोरासिक पीरियड रेपटाइल्स गेव राइस टू बर्थ ड्यूरिंग जोरासिक पीरियड लेकिन एक बार मैं चेक कर लूंगी इसको आई okay? चलते हैं आगे बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं किसकी थ्योरी है ये बताओ एक बार गैस करके बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे किसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम लोग बताओ क्या पढ़ने वाले हैं येस yes. हम पढ़ने वाले हैं मैम लेमार्क के जम के बारे में यानी कि लेमार्क ने क्या बोला था कि पहले छोटे छोटे गर्दन वाले जिराफ होते थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ थोड़ी सी लंबी गर्दन वाले जिराफ होने लग गए क्योंकि नीचे नीचे की वेजिटेशन खत्म हो गई थी फिर क्या हुआ कि छोटी गर्दन वाले जिराफ ऊपर तक जा ही नहीं पाए और सिर्फ बड़ी गर्दन वाले जिराफ जा पाए तो बड़ी गर्दन वाले जिराफ बच गए और छोटी गर्दन वाले जिराफ मर गए Lamarck पढ़ने वाले हैं, ओके, okay? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेमार्क थ्योरी जो कि एक फ्रेंच थे, उन्होंने बताया था कि एवोल्यूशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है जो हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में जैसे कि उन्होंने बोला जिराफ का एग्जाम्पल दिया ओके okay? और एक ट्रेड्स की वजह से जो म्यूटेशन है वो होता है ओके लेकिन ये सच नहीं था क्या था सच देखो ऐसे ही एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ना बहुत सारे चूहे लिए और एक जनरेशन चूहे की उसकी पूंछ काट दी फिर अगली जनरेशन में पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ काट दी फिर अगली जनरेशन में फिर से पूंछ वाला चूहा हुआ उसकी पूंछ काट दी फिर अगली जनरेशन में फिर से पूंछ वाला चूहा हुआ इसका मतलब ये अपनी पूंछ को तो यूज कर ही नहीं रहा था जब उसकी पूंछ कट कर रहे थे है ना जब कट ही कर दी पूछ तो अपनी पूछ तो यूज नहीं करी लेकिन फिर भी हर बार पूछ वाले चूहे पैदा हो रहे थे इसका मतलब एक्वायर ट्रेड की वजह से कभी भी एवोल्यूशन नहीं आता है क्लियर यस गॉट इट मैं भी देखूंगी यार अगर ऐसी बात है तो चलिए देखेंगे उसको भी हाँ सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे अब आ जाते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी क्या बोला था कि म्यूटेशन uh, जो होती है इन्होंने ही सॉल्टेशन के बारे में भी बताया था इन्होंने बोला कि की वजह से इवोल्यूशन होता है और ना कि इन्होंने कैंसिल कर दिया था डार्विन की थ्योरी को ओके okay? इन्होंने डार्विन की थ्योरी को कैंसिल कर दिया था और इन्होंने बोला था कुछ भी अडाप्टेशन नहीं होती सिर्फ म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन होती है सडन चेंज सडन चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन और इन्होंने सोल्टेशन के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं सिंगल स्टेप स्टेप सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन तो इन्होंने बोला था कि म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन आता है

चलिए अब आगे चलते हैं द दूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन डारॉज ग्रेजुअल डार्विन ने बोला था ग्रेजुअल होता है जो आपका इवोल्यूशन है लेकिन ह्यूगो ने बोला था कि सडन होता होता है spontaneous होता है तो दोनों में डिफरेंस था ह्यूगो ने बोला सडन होता है स्पॉन्टेनियस होता है डार्विन ने बोला ग्रेजुअल होता है डार्विन ने बोला डायरेक्शनल होता है और ह्यूगो ह्यूगोडेज ने बोला डायरेक्शन लेस होता है अनएक्सपेक्टेड होता है ठीक है समझ गए ओके okay. हाँ यहाँ पे लिखा है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को ही क्या बोला जाता है सोल्टेशन एवोल्यूशनरी चेंज जो कि आता है सडन लार्ज स्केल म्यूटेशन की वजह से मतलब सडन लार्ज स्केल मतलब बहुत सारे लोगों में अचानक से म्यूटेशन हो गया और उसी की वजह से नई नई स्पीशी बन जाएंगी ओके okay? चले आगे तो एक बार मैं अपने नोट्स में से आपको डिफरेंस लिखवा इन दोनों के बीच में या चल जाएगा ऐसे भी काम बताएंगे फटाफट से चल जाएगा काम या फिर हाँ वेलिन इंटू गो सीन मैम गैग से गुग हो गया था मैम जो ओके एल्टर मतलब थोड़ा सा चेंज ड्रॉप का मतलब होता है बहुत कम हो गया ओके लिखवा देती हूँ अपने नोट्स में से मतलब तो मैंने ना नोट्स बनाए थे क्लास ट्वेल्व में तो वो क्लास ट्वेल्व वाले नोट्स खोल लेती हूँ और फिर आप अपनी कॉपी में लिखोगे या फिर नहीं हाँ ठीक है मैं डिफरेंस लिखवा रही हूँ आपको और राइट तो देखो बैठ जाओ आराम से और लिख लो इसको लिख लेंगे फटाफट से ओके तो वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ डार्वेनियन है और यहाँ डी वेरीज का म्यूटेशन थ्योरी है ठीक है डार्विन ने बोला डायरेक्शनल होता है इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्शनल है लेकिन ह्यूगो डी वेरीज ने क्या बोला ह्यूगो डी वेरीज ने बोला कि ये डायरेक्शन लेस है ठीक है इतनी बात समझ आई हाँ ठीक है रुको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब इन्होंने बोला यहां पे डार्विन ने बोला था कि माइनर वेरिएशन आती है माइनर माइनर वेरिएशन और ह्यूगो डी वेरीज़ ने बोला था लार्ज वेरिएशन आती है लार्ज वेरिएशन ठीक है फिर तो डार्विन ने बोला था स्लो स्लो होती है प्रोसेस और इन्होंने बोला था कि रैंडम होती है प्लस सडन होती है सडन म्यूटेशन का मतलब सडन चेंजेस होते हैं ना तो इन्होंने बोला सडन होती है एवोल्यूशन ठीक है इन्होंने बोला ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल इवोल्यूशन PDF मिल जाएगा, ओके, चलिए, अब होता है ये वाला uh, सोल्टेशन मतलब अचानक से सिंगल लार्ज वेरिएशन की वजह से क्लियर है हम चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो कि बहुत ज्यादा इजी है इसने भी हमें दो तीन चीजें समझाई हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में पहली बात तो ये समझ लो कि ये कौन से एरिया के लिए है ओके okay? सबसे पहले हाँ सबसे पहली बात है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हर एरिया के लिए नहीं है किस एरिया के लिए है ऐसे एरिया के लिए है कैसे एरिया के लिए है मान जहां ना तो कोई स्पीशी आ रही है नो no एंट्री ना ही कोई स्पीशी बाहर जा रही है नो एग्जिट ठीक है आ, में बता चुकी हूं आपको लार्ज वेरिएशन आ जाना ओके सोल्टेशन बताया तो था अभी अभी रुको ये रहा सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन एक ही स्टेप में बहुत बड़ा म्यूटेशन होना ओके okay? समझ गए हाँ हाँ तो ना तो एंट्री हो रही है इस हैबिटेट में ना ही एग्जिट हो रहा है इन्होंने बोला हमारे पास पांच पॉइंट है अगर इनमें से एक भी होगा तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करेगा क्या थे वो पांच पॉइंट कि कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है जेनेटिक वेरिएशन नहीं होना चाहिए स्पीशी में ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होनी चाहिए ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए ना ही म्यूटेशन होना चाहिए और इन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए ओके okay? खत्म होने वाली है क्लास ऑल राइट right. चलिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए म्यूटेशन नहीं होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए जैसे कि ये क्रोमोसोम है ना अगर इसमें पास पास जो जीन्स होते हैं वो जीन्स पास पास होते हैं यानी लिंक्ड जीन्स होते हैं लिंक्ड।, लिंक्ड जीन होते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था है ना हाँ इतनी बात समझ आ गई कि किस किन लोगों के लिए है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ऐसे इकोसिस्टम के लिए है जहां पे ना तो एंट्री हो रही है किसी स्पीशी की ना ही वहां से एग्जिट हो रहा है ना ही वहां पे जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है ना वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है ना वहां म्यूटेशन हो रहा है ना नेचुरल ना, सिलेक्शन हो रहा है ना ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ठीक है समझ गए ऐसे एरिया में उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया पी प्लस क्यू का स्क्वेर इज इक्वल टू पी स्क्वेर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेर इज टू ये होता है कांस्टेंट यानी कि ऐसे जगह में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है एलिलिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है तो जब ना तो जीन्स चेंज हो रहे हैं जीन्स चेंज नहीं हो रहे तो एलील्स भी चेंज नहीं होंगे यहाँ पे पी का मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट जैसे हमने टी, -टी पढ़ा था होमोजाइगस डोमिनेंट क्यू का मतलब होता है हेट्रोजाइगस मतलब होमोजाइगस रिसेसिव और पी क्यू का मतलब होता है टी टी हेट्रोजाइगस इतनी बात समझ आई आया समझ में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आया या नहीं यस और नो हाँ यस और नो आया समझ हार्डी विनबर्ग या नहीं आया बस इतना बता दो

हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में बात की गई थी P जो है ये होमोजाइगस है है डोमिनेंट और जो वो होमोजाइगस रिसेसिव है पी क्यू जो है वो, वो हेट्रोजाइगस है समझ गए हैं आ गया है तो थम्सअप कर दो फटाफट से आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे ओके वेरी गुड यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा यहां से पूछ सकते हैं पी क्यू ये सब क्या है और ये जो कंडीशन है पांच कंडीशन क्या बताई थी हार्डी विनबर्ग ने ये सब पूछ सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल भी डरना मत यहाँ पे और राइट right? समझ गए ओके okay. चलते हैं आप देखो इवोल्यूशन जो इससे पहले वाला है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वो आपके पास है ही नहीं और जो इवोल्यूशन ऑफ मैन है वो आपके सिलेबस में है वो हम अच्छे से करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या हुआ था यूनि लोग थे उन्हीं से आए मल्टी लोग उन्हीं से फिर आ गए एल्गे से फिर एल्गे से राइना टाइप प्लांट्स आए साइकडिल्स आए ये सब चीजें आई ओके okay. समझ गए अब आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन जो कि बहुत से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने आपके लिए ना एक मस्त ट्रिक भी सोची है ये याद करने के लिए ओके okay, तो पहले मैं वो ट्रिक लिख देती हूँ कहाँ पे लिखू है ही नहीं, खाली शीट ही नहीं रखी आपकी मैम ने ये मैं इरेज कर रही हूँ ठीक है इरेज रही हूँ इसको यहाँ पे आपकी ट्रिक लिख रही हूँ यहाँ पे जो मैं लिखने वाली हूँ आप उसको अपनी कॉपी में साथ साथ में लिख लीजिएगा ओके सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रायोपिथेकस मैं सिर्फ इतना लिख रही हूं आप आगे का लिख लेना फिर हम लिखेंगे रामा आप आगे का लिख लेना ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस फिर है होमो हैबिलिस जो कि बहुत ही ज्यादा इंसान टाइप के लोग थे ओके okay. इसके बाद अपना आया था होमो इरेक्टस इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होने लग गया था वो उसके बाद हमारा आया था उसके बाद अपना आया था होमो होमोपियन सैपियन यानी कि हम लोग किसी का भी नाम लिख देती हूँ मैं उत्कर्ष लिख देती हूँ है ना हाँ उत्कर्ष लिख रही हूँ मैं उत्कर्ष आया उसके बाद समझ गए इतनी बात जो मैं यहाँ लिखने वाली हूं उसको लिखते जाना साथ में ही ठीक है अब हम यहाँ लिखेंगे कौन कितने साल पहले आया था ये आए थे थर्टी एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रही हूं मैं ओके अपने अपने पर्सनल नोट्स में से लिखा रही हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिलियन इयर्स अगो ये आया था 14 से 15 मिलियन ईयर्स अगो, ऑस्ट्रेलियो पिथेकस आया था, three से four मिलियन ईयर्स अगो, होमो हेबिलिस आया था, two मिलियन ईयर्स अगो, होमो इरेक्टस आया था, one point one या फिर point five मिलियन ईयर्स अगो, point five one मिलियन ईयर्स अगो कर दो, फिर नियंडरथल जो मैन है, वो आया था अपना चालीस uh, हजार साल पहले और फिर उत्कर्ष जो है ये अपने जो मॉडर्न मैन है सेवेंटी फाइव टू दस हजार साल पहले के लिख रही हूँ टाइम पीरियड पता चल गया आप सबका आई एम द हीरो ऑफ दिस सेशन बिल्कुल सही बात है ये वाले जो थे ये बंदर जैसे थे एप लाइक थे ये इनके एप लाइक लिख दो यहाँ लिख दिया जो आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम हाइट यानी कि जो हाथ और पैर थे वो सेम हाइट के थे लार्ज ब्रेन था इनका और सॉफ्ट फ्रूट खाते थे सॉफ्ट फ्रूट है लिख लिया अब आ जाओ रामा के ऊपर रामा जो था ये थोड़ा सा मैन लाइक -like था मैन लाइक -like. ठीक है और ये क्या खाता था इसके जो टीथ थे वो हमारे जैसे थे टीथ लाइक मॉडर्न मैन टीथ यहाँ ध्यान रखना है टीथ लाइक अस लिख लो लिख भी रहे हो तुम लोग या नहीं खत्म होने वाली है क्लास लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो खत्म होने वाली है इसके बाद जो हमारा था वो और ज्यादा अच्छा था हमारी तरह टॉल था ठीक है टॉल था वॉक करता था स्ट्रेट वॉकड स्ट्रेट ठीक है और फ्रूट्स खाता था इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो भी ज्यादा थी कहा मिले ये तंजानिया और कौन सी इथोपिया हाँ अब चलते हैं आगे होमो हेबिलिस जो था वो बहुत ज्यादा हमारे जैसा था उसका क्या था कि ह्यूमन लाइक -like था वो उसका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो बहुत ज्यादा अपने जैसा था 650 से 800 ठीक है इसके बाद वो हरबी बोर था हरबी बोर और कहा मिला था ये अफ्रीका में कहा मिलता था अफ्रीका समझ गए गॉड चलिए इसके बाद है अपना होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस जो है ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी ठीक है फूड खाता था मीट मीट भी खाने लगा था और ये मिला हमें जावा में कहा मिला जावा जावा आइलैंड पे फिर ये है अपना इसका क्या था अः ये हाइड करता था छुपता था केव में और जो डेड बॉडी थी वो बरी करता था क्या करता था डेड बॉडीज को बरी कर देता था कहा मिला सेंट्रल अफ्रीका में समझ भी आ रहा है तुम्हें या नहीं और लास्ट में जो अपना होमोसेपियन सेपियन है उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया उसने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया उसने आ, केव में रहना शुरू कर दिया आर्ट डेवलप कर दी आया समझ बस इतना ही है इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ तो सबसे पहले ड्रायोपिथेगस था फिर रामा पिथेगस था फिर ऑस्ट्रेलियो पिथेगस था उसके बाद होमो हेबिलिस था, है ना? उसके बाद था अपना होमो इरेक्टस और उसके बाद था अपना एन वाला ठीक है? इसकी ट्रिक याद करी है मैंने खुद डॉक्टर रमेश इज ऑस्ट्रेलियन है ना एंड हैज हैबिटेट rooms समझ गए got इट बस इतना ही था आया समझिए नहीं डॉक्टर रमेश इज ऑस्ट्रेलियन एंड हैज हैबिटेट ऑफ 8 रूम्स 8 न्यू रूम्स गॉट इट समझ आई ट्रिक अगर ट्रिक समझ आई है तो थम्स अप कर दो सेशन खत्म हो चुका है एंड पीडीएफ uh, आपको मिल जाएगा बस अगर आपको सेशन लाइक करना है मतलब सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर सकते हो एंड uh, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बच गया है उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मैं आपको ये पांच चैप्टर जो बच गए हैं उनको कंप्लीट कराने के बाद बहुत सारे प्यारे 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 क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ तो एकदम टेंशन नहीं लेनी है सब कुछ कराया जाएगा ओके ठीक है चलिए थैंक यू एवरीवान और अपने क्लासमेट को भी ले आया करो यार प्लीज इतने कम बच्चे आते हैं तो पढ़ाने का मन नहीं करता फिर है ना वैसे आप लोग तो इतने प्यारे प्यारे हो जितने भी रोज आते हैं क्लासमेट अः चलिए थैंक यू सो मच एवरीवान बाय टेक केयर हाँ स्वाति मैम को कॉल करूंगी जरूर आज ओके चलिए बाय एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड कुछ भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना एंड मैं कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ तो मैं जरूर चेक भी करूंगी ओके बाय बाय एवरीवन